травина. А что биже пир дубал? Биже пир кунт ада мон дубал. Биже пир чо дубал кунт ада. Биже пир гад дубал. Ю лагаш 2000 ке ада сам ю лагаш мохабуба. Ю лагаш мохабуба пер гейчен пир кас ю. Та тур пат пир хатам. Биже пир кунт ада ю. Та шиват кел. Трав сасу кус гар пакна. Шуре хат порду кутан. नंबरदार है नंबरदार खामखा बोला खामखा अगर करना है हम उनको बोलता इलेक्शन करो नहीं मानता बच्चों को पैर पकड़ना ये अफसोस की बात है पुलिस उनका ही मानता है तहसीलदार उनका ही मानता है डीसी उनका ही मानता है हमारा कोई नहीं मानता इंशाल्लाह माने अभी देखो मैं तो आज शहीद तो गए मगर डिस्ट्रिक आर्मी दिन कें मोहतरम गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हंद सरबराह रि कह बज कम ऐलान और पहाड़ी डिस्ट्रिक पहाड़ी यपर पहाड़ी एरिक नवोज तम डिस्ट्रिक सम खुद जिले शोपियान तो खास कर मुबारकबाद दिवान अमिस कि मतलब गई कुनी शहरस मज आए लब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिनाबी गुलाम नबी आजाद साहब जिनाबी महबूब साहब जिनाबी महबूब साहब जिनाब तुंद लीडर मागरे साहब मागरे साहब युद्ध तारुफ पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी मगर अमे नबर तारुफ गुलाम नबी आजाद साहब बापत जन सानि तजुर्ब क्योंकि यह तमि शख्सियत रिश्तेदार यमि जन हिंदुस्तान तजुर्ब यमि जन दुनिया की सियासत तजुर्ब तो इसलिए तारुफ करना मोहताज कह जनाब मोहम्मद मंसूर मागरे साहब एजाज यूसुफ चाहिए अनंत नाग पे सीनियर डीएपी लीडर जन सह वक्त पे आजाद साहब शान शान आगा शहीद महली साहब का सामना करना पड़ता है तो अब इस मौके पे आज आजाद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे मागरे साहब की क्यादत में और भी प्रोटेस्ट किया और पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगभग एक महीने से जब से ये ऑर्डर आया था आजाद साहब ने हमें मैदान में निकाला है सबसे पहला प्रोटेस्ट हमारा डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस के सामने हुआ था और वहाँ हमने मेमोरेंडम भी दिया उसके साथ फिर साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पर और कश्मीर में भी बड़ी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ और उसके अलावा आजाद साहब ने अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे भी बात की कि बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके साथ आप क्या करते हो हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे बट जो गरीब लोग हैं जिनका 5 मरला 10 मरला 15 मरला और इवन कि आपने देखा होगा रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि हमारे यहाँ आदत है कि थोड़ा सा सुगाड़ भी होता है तो एटलीस्ट उतना बचाया जाए क्योंकि यही एक आशियाना है ये घर नहीं होता एक आशियाना एक जिंदगी में एक आदमी जो है पूरा पैसा लगा के एक आशियाना बनाता है एक घर बनाता है एक सपना बनाता है वो सपने को आप उजाड़ रहे हो और इसकी वजह से उल्टा नुकसान है तो ये आजाद साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था स्टैंड हमारा ये है कि अभी भी कि हमें रिटर्न में ऑर्डर आ जाता कि किनको क्योंकि अभी भी कुछ लोग डर के माहौल में वो रात को सो ही नहीं पाते उनको कहीं सुबह जेसीबी ना आ जाए वो बोलते हैं पीला पंजा ना आ जाए सुबह तो अभी भी आजाद साहब ने गवर्नर साहब को भी और अमित शाह जी को भी बुलाया ब्लैक एंड व्हाइट में हमें चाहिए कि कितने लोग जो मरले हैं या कितना कनाल है उससे ऊपर आप ले जाएंगे उसके बाकी
अब हम भी नहीं, अगर उनको सही में डेवलपमेंट के लिए जमीनें चाहिए तो हम क्यों बीच में बैरियर बने, हम क्यों बीच में आड़े आ जाएं डेवलपमेंट के, लेकिन गरीब लोगों को ना छेड़ें। कि जो मुद्दा उठा था कि लैंड हमारी बाहर ना जाए, बाहर के लोग हमारी लैंड ना छीने, नौकरियां हमसे ना छीने, यहीं लोगों को मिले, बाहर वाले ना आए, तो इस पर तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बात है ही। फिर स्टेटहुड का मामला है कि आज़ाद साहब कहे कि जैसे ही हो तो स्टेटहुड जल्दी बहाल होना चाहिए और इलेक्शन जितने जल्दी है उतने होने चाहिए, क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने इससे पहले सुना होगा जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते थे या असेंबली एमएलए वगैरह पार्लियामेंट में होते, तब लोग बोलते थे ब्यूरोक्रेसी होती तो अच्छा होता, लेकिन यार ये एमएलए सुनते ही नहीं हमारा। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि एमएलए बने होते तो अच्छा होता, कम से कम दरवाजा तोड़ के तो अंदर जाते, ब्यूरोक्रेसी वाले को तो डर ही नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा बोलता है मुझे क्या लद्दाख ट्रांसफर करेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है कि एक आवाम दिल से दिल जुड़ता है, एक असेंबली एमएलए होता है या एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनके साथ बात कर सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में वो डर डर के बात करता है, उसको पता है कि अफसर मेरा नहीं सुनेगा। आज तो, आप शिप्यान के लोगों के बीच आए, जैसे कि आपने देखिए जो भी आप ये बात कर रहे हैं ये सारा कब होता है, ये जब डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है, जब कुछ नहीं होता है, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, जब चीजें अपने लोग काम में बिजी होंगे, काम करेंगे, नौजवान अपना रोजी रोटी कमाएगा, नौजवान कहीं आगे अपना काम घर को फल फूल पेट भरवाएगा, तब जाके, नहीं तो आप कोई ना कोई चीजें तो कभी गन कल्चर, आज ड्रग्स का कल्चर, कोई कल परसों और कुछ कल्चर, ये कल्चर कश्मीर को जूझता रहेगा और खाता रहेगा। अगर सही में हम दिल से चाहते हैं कि मैं सबको आपके माध्यम से सबको मैसेज ये देना चाहता हूँ, हर पार्टी के लोगों को, सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, अगर कश्मीर का भला चाहते हो तो कोशिश करो दिल से दिल को जोड़ने की, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें आपको दिता रहेंगी। थैंक यू सर।